हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, मेरे पास आजकल तमाम मैसेजेस आते हैं कि मेरे 15 लाख रुपए चले गए, मेरे 20 लाख रुपए चले गए, मेरे 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख रुपए, इतने इतने रुपयों का स्कैम हो रहा है। और स्कैम कौन सा है? वही जिसके बारे में मैं लगभग एक साल से बातें करता आया हूँ, प्रीपेड टास्क स्कैम। अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगने का काम करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस स्कैम को स्कैम से ज़्यादा माइंड गेम मानता हूँ। जी हाँ, क्योंकि इसमें जो फंसने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो पढ़े लिखे तबके से आते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशंस हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर के साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर से लेकर के वकील, जज, डॉक्टर, प्रोफेसर, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं छोड़ा है स्कैमर्स ने जिसमें कि ये माइंड गेम ना खेला गया हो। और फंसने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग उस समय सर्च नहीं करते हैं। तो आज का वीडियो जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि नया कौन सा तरीका है जिसके जरिए स्कैमर्स ने लोगों को ठगने का नया पैतरा आजमाना शुरू किया है। आपको पता होगा कि इसके पहले होटल रेटिंग के नाम पर, यूट्यूब के वीडियोज़ को लाइक करने के नाम पर, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर, चाहे इंस्टाग्राम के अकाउंट्स को फॉलो करने के नाम पर, मूवी रेटिंग के नाम पर, गूगल मैप में जाकर या किसी होटल रेस्टोरेंट या किसी शॉप को रेटिंग करने के नाम पर, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स को रेट करने या उनके प्रोडक्ट्स को जो है लाइक करने के नाम पर, इस तरह के तमाम अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी अपनाए गए हैं इन स्कैमर्स के द्वारा। बहुत सारे ब्रांड नेम का इस्तेमाल किया गया है, ऊबर ईट्स जिसमें कि रेस्टोरेंट की रेटिंग कराते थे। इसके अलावा ट्रैवल डोमेन की बात करूँ तो बहुत सारे जो पॉपुलर ट्रैवलिंग वेबसाइट है या कह सकते हो होटल बुकिंग वेबसाइट्स हैं, उन सभी का इस्तेमाल लगभग कर चुके हैं, चाहे वो ट्रैवलोका हो, गोआईबीबो, मेक माई ट्रिप, यू नेम एनी, सब का इस्तेमाल ये कर चुके हैं। वहीं पर ये मूवी रेटिंग में बहुत सारे एरोज नाउ से लेकर बालाजी टेलीफिल्म, इस तरह के कई ब्रांड नेम का इस्तेमाल कर चुके हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो भी ब्रांड नेम का इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से स्कैम एक्टिविटी के लिए करते हैं। और हर महीने संभवतः ये नया नाम और नए ब्रांड के साथ में मार्केट में उतरते हैं और लोगों के साथ वही माइंड गेम चलता है। और जब लोग उसके बारे में सर्च करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इंटरनेट में इसके बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। तो आज का जो वीडियो है वो फ्लाइट नेटवर्क को लेकर के है, यानी कि अब इन्होंने फ्लाइट्स को रेटिंग देने के नाम पर कि यहाँ से यहाँ गए उसमें जो आपने फ्लाइट सेलेक्ट की, चाहे वो विस्तारा हो या और बड़ी बड़ी एयरलाइंस, उनको आपको रेटिंग देनी है। एक फर्जी प्लेटफॉर्म बकायदा तैयार किया जाता है और उस प्लेटफॉर्म पे आपको रजिस्टर करने के बाद वहां पर उन फ्लाइट के नेटवर्क्स को रेट करने के लिए आपसे कहा जाता है और उसके एवज में आपको कुछ मुनाफा दिया जाता है। तो आज के वीडियो में इसको हम पूरी तरह से समझेंगे। हो सकता है कि वीडियो कुछ बड़ी हो, लेकिन पेशेंस रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दावे के साथ बता रहा हूँ कि ये एक माइंड गेम है। और जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि हाल ही में किसी के साथ ये घटना घटी है, उन्होंने मुझे सारे स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, उसके साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये पूरा स्कैम कैसे काम करता है। तो शुरुआत कैसे होती है स्कैम की? सबसे पहले व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि हेलो, वी आर करंटली हायरिंग वर्कर्स, हम वर्क फ्रॉम होम के लिए वर्कर्स को हायर कर रहे हैं और 3500 से लेके 5500 रुपए आप एक दिन में कमा सकते हैं। अब आपके पास अगर कोई ऐसा मैसेज आता है, क्यूरियोसिटी तो होती है यार, देखो आपको मन में होता ही है यार, चलो ठीक है, क्या है, पूछ तो लें, पता तो कर लें। यहां तक कोई स्कैम नजर आ नहीं रहा है क्योंकि शुरुआत में आपको कुछ ज्यादा बताया नहीं गया। अगला इमेज आता है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कुछ पोजीशंस की ओपनिंग है, इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हो, होम बेस्ड पोजीशन है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, पॉसिबिलिटी टू वर्क ऑनलाइन है एंड फुल जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइडेड। इतना कुछ लिखा है, इसमें भी स्कैम की भनक नहीं आ सकती है। साथ में उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं कि डेली सैलरी मिलेगी, पहला अगर आप 3 घंटे काम करते हैं तो आपको 2200 से 4200, और अगर आप 3 से 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो 4200 से 5000 रुपये यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। फिर वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो, उन्होंने बताया मैं ए करना चाहता हूँ, उन्होंने बोला कि आप कब बॉर्न हुए थे, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी आप बताते हो, फिर वो पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, इस बंदे ने झूठ बोला, लेबर बोला, और उसके बाद क्या आप इंडिया में रहते हो, उसके बाद सबसे खास बात उन्होंने लास्ट में पूछी है कि क्या हम जो है पेटीएम और यूपीआई को सपोर्ट नहीं करते, देयरफॉर वी पे सैलरी एवरी डे यूजिंग बैंक ट्रांसफर। ठीक है ना, ध्यान रखना इन सब का रोल है स्कैम में। ठीक है, अब बाद में उन्होंने बैंक की लिस्ट भी दी है कि ये सारी बैंक जो है वो प्रेफर्ड बैंक है जहां पर हम आपको सैलरीज पे करेंगे, क्या आपका अकाउंट इस तरह की किसी बैंक में है, आप बोलोगे हाँ है, उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, मेरी कंपनी के जो एजेंट हैं वो आपको व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेज था, यहाँ तक स्कैम की बदबू नहीं आ सकती थी। यहाँ के बाद आपको एक
दूसरा मैसेज आता है। अब इस बंदी ने आपको अपना नाम नहीं बताया, लेकिन जो दूसरा मैसेज आता है वो भी व्हाट्सएप के जरिए आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक नए नंबर से आपको स्कैमर अप्रोच करता है थोड़ी देर बाद, और वो यहाँ पर लिखता है कि आई एम कृतिका और विनीता चाको ने आपका कॉन्टैक्ट दिया है, उन्होंने बताया है कि आप कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। देखिए यहाँ पर माइंड गेम क्या है, सबसे पहले किसी और ने कॉन्टैक्ट किया, उसने अपना नाम नहीं बताया, अब नए बंदे ने कॉन्टैक्ट किया नए नंबर से, इंडियन या इंटरनेशनल कोई भी नंबर हो सकता है, वो आपसे कह रहा है कि मुझे आपका जो नंबर दिया है विनीता चाको। अब यहाँ पर आप नाम पे नहीं जाओगे, ऑब्वियसली आपने चूंकि पहले डिटेल्स किसी को दी हैं, अपनी सहमति जताई है, तो यहाँ पर भी आप बातचीत करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है। हाय हेलो होती है वहाँ पर, वो बोलते हैं कि किस तरह की जॉब है, पूछते हैं उनसे, वो बताते हैं कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली ऑनलाइन जॉब दैट यू कैन डू विद योर स्मार्टफोन इन योर फ्री टाइम फ्रॉम एनी वेयर यू लाइक, जस्ट नीड 10 to 15 minutes। ठीक है, तो यहाँ तक भी बात समझ में आती है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि भाई देखो पूरी एक जो कंपनी है वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आप बोलते हो बहुत अच्छी बात है, इवन इन द ट्रेनिंग पीरियड यू कैन अर्न 800 to 1400 rupees। मतलब आप ट्रेनिंग से ही कमाना शुरू कर दोगे, ऐसा कमिटमेंट ये बंदी आपको दे रही है। उसके बाद इफ़ यू कैन स्पेयर 10 minutes टाइम नाउ यू कैन गो फॉर अ ट्रायल, बेटर यू कैन अंडरस्टैंड द जॉब एंड विदड्रॉ योर अर्निंग टुडे। मतलब आज ही से आप शुरू कर दो और आज ही से आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी। आपको भी लगता है, मैंने जैसा बताया कि ये एक एक्सपेरिमेंटल फेज है, ये स्कैम का पहला फेज है, यहाँ पर आपको कहीं भी लूज करने की यानी कि कुछ भी खोने की संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि जो कुछ बताया जा रहा है उसमें आप अर्न ही कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वो आपको बताता है कि इसमें किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, डेली डायरेक्ट पेमेंट है, वही सारी बातें, और हमारा जो जॉब है वो है हेल्पिंग द एयरलाइन मर्चेंट्स टू इंक्रीज द अट्रैक्शन ऑफ देयर एयरलाइन एंड ग्राउंड ट्रांसपोर्ट पैकेजेस। मतलब हम जो एयरलाइन कंपनीज हैं अलग अलग, जैसे कि विस्तारा हो गई या फिर इंडिगो हो गई, कोई भी एयरलाइन, ठीक है ना, उनको ये सपोर्ट करेंगे, ऐसा ये इनका कहना है। वी आर बुकिंग वर्चुअल टिकट्स, हम एक वर्चुअल टिकट बुक करेंगे, फॉर दैट वी यूज अवर ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप बोलोगे ओके ठीक है, सो हेयर वी हैव टू डू 30 एयर फेयर बुकिंग्स ऑन द वर्किंग प्लेटफॉर्म एंड फॉर ईच बुकिंग यू विल गेट अ प्रॉफिट विच यू कैन विदड्रॉ एवरी डे टू योर बैंक अकाउंट। फास्ट फॉरवर्ड में कहूँ तो वो ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो फोकट का काम है, आराम से एयरलाइन को हम पॉपुलैरिटी देना चाहते हैं, वही सब बातें कि फ्री वर्क अकाउंट एक्टिवेशन, फ्री ट्रेनिंग है, कमीशन है डेली बेसिस पे, पे आउट डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट है, फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम है, पर डे आप 800 से 2000 रुपए कमाने वाले हो, और चांस टू गेट अ मिस्ट्री रिवॉर्ड। याद रखना ये वर्ड, मिस्ट्री रिवॉर्ड, यानी कि आपको मिस्ट्री रिवॉर्ड मिलने के भी चांसेस हैं, ये याद रखना, ये अगले स्टेप में काम आने वाला है। उसके बाद फिर वो आपको एक वेबसाइट का एड्रेस देते हैं, ये वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है flight-air-world.com/login। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एक पोर्टल खुलेगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का कुछ पोर्टल खुलेगा, और ये जो पोर्टल है पूरी तरह से फेक पोर्टल है। अब यहाँ पर नाम कुछ भी हो सकता है, फ्लाइट नेटवर्क हो सकता है, किसी ब्रांड का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वो आप URL पे मत जाना अभी, ये URL फेक है, फर्जी है, ये लोग ऐसे फर्जी डोमेन्स अलग अलग बुक करते हैं और स्कैम करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जिस दिन उसके खिलाफ कंप्लेंट होती है वो डोमेन बंद करके भाग जाते हैं। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है वो एक जैसी ही होती है, मिलती जुलती है, जो ब्रांड नेम का ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसी ब्रांड नेम से मिलती जुलती है स्क्रिप्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो नीचे दिया हुआ इन्विटेशन कोड इसलिए दिया हुआ है ताकि ये लोग मैनुअली, बिकॉज ये जो बंदी आपसे बात कर रही है बेसिकली बंदा ही है, ये जो आपसे बात कर रहा है ये ही आपके अकाउंट को अप्रूव करेगा। अगर मैं चाहूँ या आप चाहें कि बिना इनविटेशन कोड के आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है तो नहीं कर सकते हैं, उनके ही बंदे बैकएंड से जाके अप्रूव करते हैं, एंड वन ऑन वन ठगी का खेल चलता है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद वो पूछता है कि भैया रजिस्ट्रेशन हो गया, बोले हाँ रजिस्ट्रेशन हो गया, बाद में वो सिखाता है, कहता है कि फर्स्ट क्लिक ऑन फ्लाइट एंड क्लिक रुपीज लोगो, यहाँ पे रुपी का लोगो है उस पर आपको क्लिक करना है, यू कैन सी योर वॉलेट देयर, सेंट मी द वॉलेट स्क्रीनशॉट, तो वॉलेट है उसका स्क्रीनशॉट दो। अब यहाँ पर वो ये आपको बताता है कि शुरुआत में 10,000 रुपये का जो बोनस है वो हम देने वाले हैं, क्योंकि जो भी आप फ्लाइट वर्चुअली बुक करने वाले हो उसमें एक अमाउंट लगेगा, और जो अमाउंट शुरुआत में 10,000 रुपये का है वो हम दे रहे हैं, जो कि रिफंड हो जाएगा, वो हम वापस ले लेंगे आपसे, सिर्फ खेलने के लिए मिल रहा है। और जब तक कि आप इसको करेंगे यानी कि रेटिंग्स करेंगे तब तक आपको जो भी बोनसेस मिलता रहेगा, हर रेटिंग में हम आपको कुछ कमीशन देने वाले हैं, तो ये 10,000 रुपये जो आपके बिगिनर बोनस हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं इसके जरिए ही आप कुछ 800 से 1400 रुपये कमा लोगे 30 अलग अलग फ्लाइट्स को रेटिंग दे करके। समझ लेना ठीक से,
नहीं समझ में आया फिर से रिवाइज करके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ और वीडियोज डाल रहा हूँ, इसी पे मैंने और भी वीडियोस पहले बनाए हैं, वहां पर भी मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझाया है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वॉलेट में कुछ भी नहीं है, टुडेस प्रॉफिट कुछ नहीं है, प्रोसेसिंग में जीरो है। आपको बिगनर बोनस दिया गया है, उसने समझाया कि भैया देखो यहाँ पर आपको अब क्या करना है, क्लिक स्टार्ट करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए, क्लिक बुकिंग टिकट्स और रिपीट करना है 30 times, मतलब हर बार आपको टिकट बुक करते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि airflightnetwork.com करके URL है, यहाँ पर हम इसमें लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कि किस तरह का इंटरफेस सामने आता है। यहाँ पर फ्रॉम एंड टू का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लाइट नेटवर्क वेयर यू वॉन्ट टू ट्रैवल। अब ये एक डमी वेबसाइट है, एक डमी पोर्टल है, यानी कि एक फर्जी वेबसाइट है। यहाँ पर एंटर योर डेस्टिनेशन लिखोगे आप, कुछ भी लिख लो, कुछ आने वाला नहीं, कुछ भी वर्किंग नहीं है। लेकिन हमको क्या है, वो पैसे का लालच होता है जो हमें 800 से 1400 रुपए दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपसे कुछ मांगा नहीं गया। तो ये फर्स्ट फेज में एक्सपेरिमेंटल फेज है, आपको लग रहा है पैसे मिलेंगे तो आप ज्यादा कुछ सोच नहीं रहे। आजकल रेटिंग लेने के लिए हर ब्रांड हर कंपनी काम कर रही है और कहीं कहीं पर इस तरह की पेड एक्टिविटीज भी की जाती हैं। अब यहाँ पर उसने सिखाया है कि आपको ये जो फ्लाइट का सिंबल है यहाँ पे क्लिक करना है तो क्या होगा, और नीचे देखो आप पॉपुलर डेस्टिनेशन और ये सारी चीजें दिख रही हैं, सब टोटल फेक है, इनकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। अब आप देखोगे कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो वहां पर आपको एक पॉपअप आता है जिसमें कि वो एक फ्लाइट दिखाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये विस्तारा की फ्लाइट है। अब ये जो फिलहाल ये जो लॉगिन है, इस लॉगिन में आकर के वो फंसे हुए हैं, इसलिए ये डायरेक्टली दिख रहा है, वरना शुरुआत में ये जो कीमत यहाँ दिखा रहा है ना कि टोटल प्राइस 9,95,623 रुपीज़, यानी कि इतने रुपये का इनको टिकट बुक करना है। तो ये बहुत आगे के फेज की बात है, शुरुआत में वो जो 10,000 रुपये मिले थे उसी 10,000 रुपये में ही टिकट बुक होती थी, यानी कि पहले टिकट बुक हुई 5,000 रुपये की, आपने वो बुक किया, बुक कुछ नहीं हो रहा है, वो सब फर्जी है, वर्चुअल है, बट वहां पर दिख रहा है कि हाँ ऐसे एक विस्तारा का आया और नीचे लिख दिया ऑर्डर नंबर समथिंग, ऑर्डर टाइम समथिंग और टोटल प्राइस, टोटल प्राइस कितना होगा 10,000 से कम, क्योंकि उतने का उन्होंने बोनस दिया है। तो ये पहला राउंड है, ऐसे ही 30 टिकट आप बुक करते रहोगे। अब अगले राउंड में वो आपसे कहेगा कि भाई देखो हमने पहला राउंड तो कंप्लीट कर लिया है, 800 से 1400 रुपए जो भी आपको मैं बताने वाला था वो बोनस यहाँ पर दिखता रहेगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो बोनस कहाँ पर है। तो ये जो बुकिंग्स दिख रही हैं आपको, ये सारी जो बुकिंग्स दिख रही हैं, ये बुकिंग सारी उन्हीं भाई साहब ने की है जिनका कि काफ़ी लंबा चौड़ा नुकसान हुआ है इसमें, 4 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। तो ये सारी बुकिंग इन्होंने पहले करी है 9,95,000 रुपीज़ की, जिसमें कि ये कह रहे हैं कमीशन मिलेगा आपको 2,98,000 रुपये का, उसके नीचे 1,97,000 रुपये की, यानी कि मैंने जो बताया आपको वो जो 10,000 रुपये का रिचार्ज है ना, वहाँ पर वो आपसे इतने अमाउंट का रिचार्ज मांगते हैं और साथ में आपको कमीशन बताते हैं कि इतने इतने रुपए का कमीशन दिया जाएगा। अब आप देखो ये इन्होंने जो भी बुकिंग कर रखी है, अलास्का एयरलाइन, इथियोपियन एयरलाइंस, उसके नीचे आप देख लो कैथे पैसिफिक, उसके नीचे आप आ जाइए जजीरा एयरवेज, तो ये अलग अलग इन्होंने बुकिंग्स जो हैं वो आपको दिखाई हैं। इसमें करना कुछ नहीं आपको, सिर्फ आपको इसको क्लिक करना है और कंप्लीट करना है और रेट करना है, और रेट करने में आपको कमीशन मिल जाएगा, कमीशन यहाँ पे दिख रहा है। अब हम चलते हैं वापस से अपने स्क्रीनशॉट पर जहां से हम बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहां पर टास्क कंप्लीट हो गए, टास्क कंप्लीट होने के बाद आपको मैं उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, बिगनर बोनस जीरो है क्योंकि अब वो उसको पूरी तरह से कंज्यूम कर चुके हैं और उनके वॉलेट में है 1,163 रुपये और आज का प्रॉफिट कितना है 999 रुपीज़ का। बंदा खुश, ऑब्वियस ही बात है आप कुछ हो ही जाओगे क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि आपने इतने पैसे कमा लिए हैं। इसके तुरंत बाद वो आपको बोलेगा कि क्या आपके पास टेलीग्राम है, आप बोलोगे नहीं है, अगर आप बोलोगे नहीं है तो वो आपको बोलेगा कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जल्दी से टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना है, हम आपको यूज़र नेम दे रहे हैं उससे जाकर के अपनी सैलरी ले लेना। सैलरी मतलब ये जो कमीशन यहाँ पर दिख रहा है, ये कमीशन आपको कहाँ से लेना है, टेलीग्राम के किसी यूज़र नेम से लेना है, वहाँ पर जाके अपने आपको अपना बैंक अकाउंट देना है, जैसे आप बैंक अकाउंट देंगे आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी चैटिंग भी देख लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट अर्निंग विथ फ्लाइट नेटवर्क, तो बंदा बोलता है वाह, बंदा भी एक्साइटेड है, बंदा कह रहा है मुझे तो रोज करना है, जल्दी करना है, बंदा अपने धुन में लगा हुआ है, वो सर्च ही नहीं कर रहा है, उसको लग ही नहीं रहा कि ये कोई स्कैम है क्योंकि पैसे आए हैं और वाकई में आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं। अब थोड़ा सा रुकते हैं और मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो यार इतने पैसे तो कमा लूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं वो उन अकाउंट से आपके अकाउंट में भेजे जाते हैं जो कि स्कैम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि उनके खिलाफ या कोई कंप्लेंट हो जाए या फिर वो बंदा ही आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दे कि मेरे से इसने साइबर क्राइम किया है, इस बंदे ने धोखे से ये पैसे लिए हैं, ठीक है ना। अब आपको जो पैसा आया था आप ये सोच रहे हो कि आपकी ये अर्निंग है, लेकिन वो पैसा आया कहाँ से है,
फर्जी अकाउंट से आया है। जब फर्जी अकाउंट में कार्रवाई होगी तो अकाउंट किसका फ्रीज होगा, क्योंकि वहां से पैसा कहाँ आया, आपके पास आया है। अब बहुत लोग कहते हैं छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए फ्रीज नहीं होते, मेरे पास सैकड़ों में ऐसी ईमेल्स पड़ी हैं जहां 100, 200, 150, 1,000 रुपए तक के लिए भी लोगों के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। और अकाउंट फ्रीज होने का मतलब ये है कि अनफ्रीज कराने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला फेज था, एक्सपेरिमेंटल फेज था, यहाँ तक आपने खेला, आपको कुछ लगाना नहीं पड़ा, आपको 800 से 1000 रुपए का कमीशन भी मिल गया। अगले दिन आप एक्साइटेड हो, आप खुद से जाकर के उसको अगले दिन हाय हेलो करते हो कि आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे ये काम करना है, क्योंकि आपको पहले बताया जाता है कि आप डेली 5000 रुपए तक भी इसमें कमा सकते हो। पर अगले दिन यहाँ पर कैच है, वो आपसे बोलेगा कि आपको जो शुरुआती बोनस दिया गया था 10000 रुपए, वो अब आपको नहीं दिया जाएगा, वो अब क्या करना है, आपको खुद रिचार्ज करना है, आपको खुद पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ सोचोगे नहीं, क्योंकि पहले दिन आप स्वाद चख चुके हो, आपको 1000 रुपये मिल चुके हैं, आप जाकर के 10000 रुपये वहाँ पर लगा देते हो। उसके बाद क्या होता है, फिर वही सिलसिला शुरू होता है। 30 अलग अलग फ्लाइट्स को आप रेट करते हो, आपको पूरे दिन में एक कमीशन जो है वो मिल चुका होता है, और आज जो कमीशन है हो सकता है वो 6000 7000 का मिला हो, कल 900 का ही मिला था, आज वो आपका कमीशन बढ़ा करके 6-7000 तक कर देते हैं। 10000 रुपए के एवज में आपने 7000 रुपए कमा लिया, आपके अकाउंट में शाम को कितने पैसे आ गए, 17000 रुपए। 10000 तो मूलधन जो आपने खेलने के लिए लगाया था, बाकी का 7000 रुपए आपको प्रॉफिट मिला, आप खुश हो, आपको लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी वो एक्सपेरिमेंटल फेज चल रहा है। यहाँ पर आपको विश्वास में जकड़ने के लिए स्कैमर ने आपको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है, दो दिन पेमेंट दे करके, पहले दिन 900 रुपए और दूसरे दिन 17000, जिसमें कि 10000 तो आपके ही थे। तो ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो ये पहला फेज था, अब दूसरा फेज है, यहाँ पर एक्चुअल स्कैम होता है। अब यहाँ पर वो आपको क्या बोलेगा, आपको कहाँ जाना है, टेलीग्राम पर जाना है। अब टेलीग्राम पे क्या होता है, वो आपको एक ग्रुप ज्वाइन करा देते हैं और बोलते हैं कि भैया आप जो भी एक्टिविटीज होंगी वो ग्रुप में होंगी। अब उस ग्रुप में क्या है, आपके जैसे 300 500 या 20 30 कुछ भी नंबर हो सकता है, उतने लोग और वहां पर होते हैं, और वो लोग वहां पर अपनी रोज अर्निंग पोस्ट करते रहते हैं, आज मैंने इतना कमा लिया, आज मैंने इतना कमा लिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके दिमाग में एक विश्वास और सुदृढ़ होता चला जाता है, क्योंकि पहले पैसे मिल चुके हैं, अब एक नए ग्रुप में आप हो, उस ग्रुप में लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, मैंने आज इतना कमाया, मेरा आज 1 लाख हो गया, 50000 हो गया। तो उस तरह की बातों को देखते हुए आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आता कि इस तरह की जॉब के बारे में हमें YouTube पर सर्च कर लेना चाहिए, या हमें कहीं भी सोशल मीडिया पर जाकर इसके बारे में पता कर लेना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की जॉब्स कभी हुई भी नहीं है, तो आप अपने आस पड़ोस में किसी से पूछोगे तो वो भी आपको कोई ज़्यादा खास मदद कर नहीं सकता है। तो चलिए अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बात करते हैं। पहले स्टेप में आपको पैसे मिले, दूसरे स्टेप में आपने 10000 रुपए लगाए, उसमें भी पैसे मिले, तीसरा स्टेप शुरू होता है जिसमें आपको फिर से 10000 रुपए लगाने हैं, और यहां से आपको टिकट की बुकिंग करनी शुरू करनी है। तो अब मैं आपको यहां पर एक चीज और नोटिस करवा देता हूं कि जो 10000 रुपए पे करवाए थे भाई साहब से, वो 10000 रुपए किसको पे कराए थे, श्री प्रिंस कॉरपोरेशन को कराए थे। किसको कराए थे, श्री प्रिंस कॉरपोरेशन। ये एक करंट बैंक अकाउंट है, तो मैं आपको बताता हूं कि जिन खातों से आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं प्लस जिन खातों में आप पैसे भेज रहे हो, ज्यादातर वो करंट बैंक अकाउंट होते हैं, और वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खुलवाए हुए अकाउंट्स होते हैं। तो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके खाते में कोई भी अननोन सोर्स से पैसा आ रहा है तो भी आप ही कल्प्रिट माने जाओगे, और आप जिसमें दे रहे हो वो फर्जी अकाउंट है तो उसके पकड़े जाने की संभावनाएं नहीं है। आपने उस खाते में पैसे दे दिए और वो स्कैमर जो होता है वो इमीडिएटली उस पैसे को ट्रांसफर कर देता है, और जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर आपके पैसे दिखते रहते हैं, उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जेन्युइन है, क्योंकि आपको उस वेबसाइट पर यकीन है और पिछले मिले हुए बोनसेस पर यकीन है, इसलिए आप क्या करते हो, अंधा ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। तो पहले दो राउंड्स में आपको पैसे मिले हैं, तीसरा राउंड जो है यहाँ पर आपने फिर से 10000 रुपए देके शुरुआत की। पैसे किस में दिए, वो फर्जी बैंक खाते में दिए, आपको नहीं पता है और आप सोच भी नहीं रहे हो कि एयरलाइन की कंपनी है लेकिन पैसा ऐसे खाते में ले रही है, क्योंकि आपको पैसे मिले हैं। मैं बार बार ये रिमाइंड कराता रहूंगा क्योंकि ये एक माइंड गेम है, स्कैम से पहले इसको मैं माइंड गेम की संज्ञा देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको याद हो कि पहले ही बताया था एक मिस्ट्री रिवॉर्ड नाम की चीज़ इन्होंने इंक्लूड की थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप 10000 रुपये पे करते हो, आज आपको 30 एयरलाइन को
जो है रेट करना है, दूसरी तीसरी एयरलाइन को आपने रेट किया, कुछ कमीशन मिला हर रेटिंग का, लेकिन जो चौथी एयरलाइन है वो आई एक मिस्ट्री रिवॉर्ड वाली। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने कहा कि भाई साहब अब ये जो टिकट है, अभी तक तो क्या हो रहा था 10,000 रुपये से कम की टिकट थी, लेकिन सडनली ये जो टिकट है ये ज़्यादा की दिखाई जाती है कि भैया ये टिकट अब 50,000 रुपये की है। मतलब कुछ भी दिखा सकते हैं, वो बोलेंगे 50,000 रुपये की है। और उसमें आपका फ़ायदा क्या है, आपका फ़ायदा ये है कि आपको कमीशन भी ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अभी तक आपको अगर हर टिकट बुकिंग पे मान लीजिए 50 रुपये या 100 रुपये कमीशन मिल रहा था, तो अब आपको इस मिस्ट्री रिवॉर्ड वाली बुकिंग के लिए ज़्यादा कमीशन मिलेगा, 5x 3x कुछ भी मिल सकता है। समझना ठीक से, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ये लगता है कि चलो ठीक है देख लेते हैं करके। तो यहाँ पर टिकट कितने की थी, 50,000 की, 10,000 रुपये आप पहले फंसा चुके हो, तब आपको कितने पैसों की जरूरत है, 40,000 रुपये की। आप क्या करोगे, जाकर के 40,000 रुपये जाकर के वहाँ पर रिचार्ज करोगे। रिचार्ज करने का मतलब क्या है, आप उसको पेमेंट करोगे। पेमेंट कहाँ करोगे, ऐसे ही किसी फर्जी बैंक अकाउंट में, जैसा कि इन भाई साहब ने किया। उनकी स्क्रीनशॉट भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने 46,919 रुपये की पेमेंट की है किसी को ऐसे ही। वो क्यों की है, क्योंकि उसको मिस्ट्री रिवॉर्ड चाहिए था। तो पहले 10,000 रुपये आपने जमा किए, फिर आपने 46,919 रुपये जमा किए। क्यों जमा किए, ताकि आप उस टिकट को बुक कर सको। वो टिकट थी मान लीजिए 56,000 रुपये की, उसमें आपको रिवॉर्ड मिलना था 3,000 रुपये का। तो आपने सोचा कि आज तो मैं ज़्यादा कमा लूँगा, 15,000 20,000 50,000 कुछ भी कमा सकता हूँ मैं। तो इस तरह से क्या होता है कि तीसरी चौथी बुकिंग आई, वहाँ पर आपने कितने पैसे दे दिए, 56,000 रुपये दे दिए। अब आपके कितने फंस गए वहाँ पर, 56,000 रुपये फंस गए। अब ये जो फेज़ है ना, ये फेज़ फंसाने वाला है। अब आपने 10,000 बचाने के लिए 46,000 लगाए, 56,000 वहाँ फंस चुके आपके। उसके बाद फिर 2-3 राउंड फ्री वाला, जो कि 10,000 से कम वाला होगा या 50,000 से कम वाला होगा, उतने के टिकट्स बुकिंग करनी होगी आपको, उसमें कुछ कमीशन मिलेगा आपको। और 3-4 राउंड के बाद फिर से आपको मिस्ट्री रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। और मिस्ट्री रिवॉर्ड कितने का होगा इस बार वो 2,00,000 रुपये का होगा। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पर आप देख लो, इनको जो मिस्ट्री रिवॉर्ड्स के नाम पर इनसे जो रेटिंग कराई गई वो कराई कैथे पैसिफिक की। टोटल रिटर्न 3,00,000 रुपये, आपको टोटल प्राइस कितना लगाना है, 1,00,000 × 3, यानी कि 3 क्वांटिटी में 1,00,000 रुपये का आपको 3,00,000 रुपये लगाना है। कमीशन कितना मिलेगा, 4,500 रुपये। ऐसे इनसे ऊपर एक कराया गया अलास्का एयरलाइन का, जिसमें कि इन्होंने कहा कि 3,75,928 रुपये लगाने हैं, और यहाँ पर आपको 5,638 रुपये का कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, पहले 56,000 फंसाए, फिर एक मिस्ट्री रिवॉर्ड वाला आपको दिया 3,00,000 का प्लान, अब आपको कहा गया कि 3,00,000 रुपये का जुगाड़ करो। आप क्या करोगे, अगर आपके पास होंगे तो आप ला करके यहाँ पर दे दोगे। क्यों, क्योंकि आपको अपने 56,000 रुपये बचाने हैं। तो यूजली क्या करते हैं कि धीरे धीरे बढ़ते हैं, पहले 10,000, फिर 46,000 लगाए, 46,000 लगाने पे आपको कुछ कमीशन मिला, फिर आपसे बोला कि अब अगला जो है वो 1,00,000 की टिकट है। तो 56,000 तो पहले से जमा थे, और अब 1,00,000 की टिकट जमा करने के लिए यानी कि आपको और लगाने हैं 40-45,000 रुपये, वो आपने अपने खाते से निकाल करके यहाँ लगा दिए। अब आपका 1,00,000 फंस गया, फिर रेटिंग शुरू हुई, फिर से मिस्ट्री रिवॉर्ड मिलने लगे। तो अब सडनली आप इतने ज़्यादा लकी हो जाओगे कि ये मिस्ट्री रिवॉर्ड्स रुकेंगे ही नहीं, ये 2,00,000 3,00,000 5,00,000 के आते चले जाएंगे। अब जहां पर आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, जैसे कि इस भाई साहब के पास पैसे बीच में खत्म हो गए, तो इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने सर्च करना शुरू किया। और बता देता हूं एक बात और, जो भी वो टेलीग्राम का एक ग्रुप था जिसमें कि और भी लोग खेल रहे थे, वहां पर आप जाकर किसी इंडिविजुअल से पूछते हो कि भाई यार स्कैम तो नहीं है यार, आप कब से कर रहे हो, तो वो लोग आपको कन्विंस करेंगे, क्योंकि वो उनके ही बंदे होते हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि यार उसने तो कहा था मैं 1 साल से कमा रहा हूँ, 6 महीने से कमा रहा हूँ, बट वो उनके ही बंदे होते हैं, तो वो तो झूठ बोलेंगे ही, ताकि आपको ये लगता रहे, आप इस विश्वास में रहो कि ये सब जेन्युइन गेम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप कितने भी पैसे इसमें फंसा सकते हो, जहाँ तक आपकी वर्थ है, जहाँ तक आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, जहाँ तक आप गोल्ड लोन ले सकते हो, जहाँ तक आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ तक आप करते हो। क्योंकि आपको क्या लगता है यार अभी तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें मिलने वाला कुछ नहीं है। तो काफ़ी कुछ मैंने आपको इसका बता दिया है, डिटेल में मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी स्टेज पर आप हों, चाहे 10,000 की स्टेज पे हों, 46,000 की स्टेज पर हों, 2,00,000 5,00,000 10,00,000 किसी भी स्टेज पर हों, आपको क्या करना है, अगर आप फंस गए हैं तो तुरंत के तुरंत बिना किसी की बात को सुने हुए, बिना किसी से बात किए हुए, सबसे पहले 1930 पे कॉल करना है, या फिर cybercrime.gov.in नाम की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आपको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। और उसमें आपको कंप्लेंट कैसे करनी है, अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है। तो मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में सब कुछ समझाया अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको रिपोर्ट जो है करनी है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ,
टाइम मत गवाना, क्योंकि अगर आप टाइम गवा देते हो तो उस टाइम में ये पैसे स्कैमर्स निकाल लेते हैं और उसके बाद पैसों के मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो पहली चीज़ आपको करनी है, साइबर क्राइम में रिपोर्ट कीजिए, बैंक को रिपोर्ट कीजिए, लोकल थाने में FIR करा सकते हैं तो कराइए, हालांकि वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि ये IT एक्ट में आता है तो ये साइबर में ही इसकी रिपोर्ट दर्ज होगी, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि FIR दर्ज हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ये स्कैम समझ में आ चुका होगा। ये अलग अलग मॉडल्स ऑपरेंडी से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, हर बार ये अपना ब्रांड नेम चेंज करते हैं, हर बार ये अपना तरीका बदलते हैं, मतलब रेटिंग का तरीका बदलवा लेते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इस स्कैम में आज भी इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी सैकड़ों की संख्या में लोग रोज फंस रहे हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे ही कम से कम दिन में 50 से 100 लोग बता चुके होते हैं, 10,000 रुपए से लेकर के और 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक की राशि लोगों ने इसमें खोई है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, खुद भी सतर्क रहिए, अपने दोस्तों को भी सतर्क कीजिए, इस तरह के वीडियोज़ को ज़रूर देखा कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुँचाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।